नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। एंड फ्रेंड्स, समय कितना फास्ट बीतता है। देखते देखते अभी 2024 स्टार्ट ही हुआ था कि जनवरी मंथ पूरा हो गया। इतनी स्पीड से टाइम जा रहा है और उसी स्पीड से मार्केट भी ऊपर जा रहे हैं और PSU स्टॉक्स तो कमाल के ऊपर जा रहे हैं। इतना ऊपर कि हमें यहाँ तक कि डर लगने लग गया और इस डर से हम बाय नहीं कर रहे हैं कि कहीं यहाँ पे हमने ले लिया और वही लास्ट भाव ना हो जाए। क्यों कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब भी हम एंट्री कर लेते हैं वही लास्ट भाव हो जाता है और इसी डर से हम रैली मिस कर रहे हैं कि ये लास्ट भाव ना हो जाए। और उसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि जिस दिन हम लें और शायद वही लास्ट भाव हो जाए, बट इसी इंतज़ार कर में हमने 19,500 से कि मार्केट गिरेगा, फिर से करेक्शन आएगा, करते करते आज मार्केट ने फिर से एक न्यू हाई बना दिया 22,164। मतलब यहाँ तक पहुँचा दिया हमने मार्केट को। और वो जो रैली गई है, हमने मतलब आपने और हमने सबने मिलके बाय कर रहे हैं तभी तो जा रहा है ऊपर, और इतना ऊपर पहुँचा दिया हम 19,500 से। अगर ये सोचते रह जाते कि हम बाय नहीं करेंगे, मार्केट में करेक्शन ड्यू है सॉरी, तो हम इतनी बड़ी रैली मिस कर जाते। मेरा हमेशा ये कहना है कि मुझे ये नहीं मालूम कि टॉप क्या है, बॉटम क्या है। मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे अभी कॉशियसली ट्रेड करना है। जब मैं कॉशियसली ट्रेड करने की बात आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, लेकिन ये कन्फ्यूजन रह जाता है कि कॉशियसली ट्रेड करना मतलब होता क्या है। तो कॉशियसली ट्रेड करने का मतलब ये होता है, एक तो स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है, दूसरी क्वांटिटी कम रखनी है, तीसरी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग एट एवरी लेवल करते रहना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हेज करते हुए चलना है। और ट्रेड करिए, हेज रखिए, ट्रेड करिए, जिससे क्या है कि आपकी पोजीशन, आपका रिस्क, आपका लॉस आपके कंट्रोल में रहे। हमारी सबसे पहली कोशिश यही रहनी चाहिए कि रिस्क कंट्रोल में रहे। रिस्क मतलब हमारी पॉकेट कितना रिस्क अलाउ करेगी, जिससे हमारी पॉकेट को तकलीफ़ नहीं हो, वो रोने नहीं लग जाए, वहाँ तक अगर हम रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो डिलीवरी की छोटी छोटी क्वांटिटी कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करिए, छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कीजिए, और छोटा छोटा काम करते जाइए, रेगुलर करते जाइए। एक और चीज़ है कि ऐसे मार्केट में जब मार्केट्स रैली कर रहे हैं और कोई स्टॉक हमारे पास है जो मैं सुनती हूँ कि भाई मैंने तो ये स्टॉक 65 में लिया था, 400 का भाव हो गया, ये स्टॉक 60 में लिया था या 100 में लिया था, 200 का भाव हो गया, 300 का भाव हो गया, ऐसी सिचुएशन में क्या कीजिए, ये जो मार्केट है यहाँ पे अपनी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और बने वहाँ तक फ्री का स्टॉक रखिए और फिर छोटी छोटी ट्रेडिंग कीजिए। ये एक जो है छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहती हूँ, बिकॉज पास्ट वीक में मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई कि ये मार्केट में क्या करना चाहिए, हमें डर लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, तो सुनने में आया है कि बड़ा करेक्शन हो जाएगा। तो सुनने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन सब होता है कि नहीं वो नहीं पता, बिकॉज जब तक हम डरे हुए रहते हैं मार्केट चलते जाता है। और अगर मैं देखूं तो जैसे हमने लास्ट वीक में बात की थी PSU स्टॉक्स, आज भी तक PSU स्टॉक्स की रैली रुकी नहीं है। लेकिन अगर हम मेन इंडेक्स की बात करें तो मंडे को 300-350 पॉइंट अप, ट्यूसडे को 200-250 पॉइंट डाउन, वेडनेसडे को 200 पॉइंट अप, थर्सडे को बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 150-200 अप डाउन कर करा के उधर के 28 पॉइंट के आसपास निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हो गई। आज देखें तो 425 पॉइंट ऊपर जाके और फिर मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब 100-125 पॉइंट के आसपास बंद दिया है। मतलब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो डर लगने लगता है कि इतनी वोलेटिलिटी के साथ हम कैसे करें।
और ऐसे में सब पीएसयू स्टॉक्स ऐसे भाग रहे हैं कि उसे देख देख के हम परेशान हो रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। तो छोटी छोटी ट्रेडिंग कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करिए और छोटा छोटा काम कीजिए, छोटा स्टॉप लॉस, छोटी प्रॉफिट्स। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, छुट्टियाँ मनाइए, ऐश करिए, मार्केट को देखिए। बिकॉज एक चीज़ जो मैंने इस मार्केट से सीखी है वो आज मैं आपको भी बताती हूँ। अगर मेरी पोजीशन होती है मार्केट में और मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है तो मार्केट मेरे मज़े लेता है, और अगर मेरी पोजीशन नहीं है या मेरी प्रॉफिटेबल पोजीशन है तो मैं मार्केट के मज़े लेती हूँ। अब ये मुझे चूज़ करना है कि कौन किसके मज़े ले। तो चलिए आते हैं आज की एनालिसिस पे। तो आज ये देखा जाए, अगर मैं वीक के हिसाब से भी देखूं तो ये सारे स्टॉक्स जो है, ऑयल सेक्टर सबसे गजब तेज, 10% पूरा ऑयल एंड गैस अगर देखें तो सब आईओसी को तो आज अपर सर्किट जैसा लग गया था। आईओसी चल रहा है, ओएनजीसी चल रहा है, एचपीसीएल, बीपीसीएल रोके नहीं रुक रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं एनर्जी, टाटा पावर, एनटीपीसी, कौन से स्टॉक नहीं चल रहे हैं। फिर मेटल्स, मेटल्स में भी अगर मैं देखूं तो सबकी आरएसआई वीकली बेसिस पे भी 70 के ऊपर है, और अगर मैं मंथली के हिसाब से भी देखूं तो वो भी 70 क्रॉस करने की तैयारी कर रही है मेटल की। और एमएससीडी भी पॉजिटिव जोन में है, अगर देखें तो एमएससीडी पूरा पॉजिटिव क्रॉसओवर और पॉजिटिव क्रॉसओवर में पॉजिटिव जोन में ही है, और पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर गजब स्पीड देता है, ये मैंने बहुत बार देखा है। और अभी आपको भी दिखाती हूँ, जब भी हम देखते हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट में पॉजिटिव क्रॉसओवर, यहाँ पे जैसे देखने मिल रहा है कि एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मूवमेंट मतलब एमएससीडी पॉजिटिव जोन, पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर, एंड उसके बाद जो मैं देखती हूँ ना, मुझे ये देखने मिलते हैं, जो गैप्स देखने मिलते हैं और जो तेजी देखने मिलती है ना, क्योंकि पॉजिटिव जोन से वो पॉजिटिव क्रॉसओवर ले रहा है। तो इन चीज़ों को मैं कभी इग्नोर नहीं करती, यहाँ पे भी पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर ले रहा है। और इसी के हिसाब से ये देखिए, ये जो मूवमेंट आते हैं मैं इन्हें कभी मिस नहीं करना चाहती। उसी तरह से नेगेटिव जोन में अगर नेगेटिव क्रॉसओवर दिखे तो वो भी बहुत काम करते हैं। अगर हम यही चीज़ कोई स्टॉक में भी देखें, लेटर से हम कोई स्टॉक देखते हैं आईओसी, क्योंकि आज तो वही भागे जा रहा था। तो यहाँ पे जो हमने देखा पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ में एमएससीडी को, तो मूवमेंट ये रहा। देखिए गैप्स, गैप के साथ ऊपर जा रहे हैं, आज फिर पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ में है एमएससीडी। जस्ट वन मिनट, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को सिर्फ अपना व्यू ना बताऊं बल्कि कुछ दो चीज़ सिखाऊं जिससे कि आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हो। ये 70 के ऊपर और ये पॉजिटिव क्रॉसओवर और सी द मूवमेंट्स, ये जो मैं देखती हूँ इनको देख के और इन पे काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अभी जो मैंने नेगेटिव क्रॉसओवर की बात की वो ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर और फिर उसका मूवमेंट। नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर और फिर जो फॉल आता है उसका जो मूवमेंट आता है 7-8%, 8-10% जो भी मिलता है। तो ये जो है पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, ट्रैक करिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट्स में डालिएगा कि आपको इस चीज़ ने को आपने ट्राई किया क्या और आपको मज़ा आता है क्या। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, वो भी ज़रूर से देखिएगा, मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है।
तो मेरा पर्पज़ है कि मैं साथ साथ में आपको सिखाते रहूं, जिससे आप लोग भी रेडी हो जाओ और कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा इसको प्रैक्टिस करके कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी क्या और इससे रियली में बेनिफिट होता है। क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करोगे जिस टॉपिक के ऊपर, मुझे उसमें आइडिया आएगा कि ये टॉपिक चल रहा है, आपके समझ में आ रहा है, तो मैं उसका एडवांस वर्जन वीडियो ज़रूर बना के दूंगी आपको। और मैं इसलिए आप लोगों से फ्राइडे को रिक्वेस्ट करती हूँ बिकॉज़ मेरे पास दूसरे दिन सैटरडे और संडे रहता है, तो ये दो दिन जो है मेरे लिए बहुत काम के होते हैं और आप लोग के लिए वीडियो बनाने का काम मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अब वही चीज़ हम देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा बिहेव किया। और आज के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर, ये जो मैं सेक्टर इंडेक्स बनाती हूँ, तो निफ्टी ऑयल सबसे ऊपर, एनर्जी सबसे ऊपर, मेटल सबसे ऊपर, टॉप फाइव में PSU तो खतरनाक चल रहे हैं। ये देखिए, अभी मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये PSU के लिए पॉजिटिव MACD, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर, और RSI अबाउ 70, एंड सी द गैप्स। ये जो चीज़ें मिलती है, ऐसी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। ये मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मिस नहीं करती हूँ, मैं भी मिस कर जाती हूँ। मार्केट टाइम पे सब कुछ नहीं देखा जा सकता, लेकिन जितना देखती हूँ उतना कर लेती हूँ। तो ये हो गया मैंने आपको आज का बताया मेन। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की सबसे इम्पोर्टेंट, सबने देख लिया, सब जगह व्हाट्सएप पे, सब जगह ये फैल रहा है कि निफ्टी ने 2G बनाया, मंथली कैंडल 2G बन गया, मंथली कैंडल 2G बन गया। तो पता नहीं क्या होगा, मंथली कैंडल 2G बन गया, पता नहीं क्या होगा। लेकिन 2G बनने का मतलब ये नहीं कि पता नहीं क्या होगा, दैट इज़ इनडिसिसिवनेस। सब यही कहेंगे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब तक इसका हाई या लो नहीं टूटता है, तब तक हम एक्चुअली इस डिसीजन पे नहीं आ सकते कि तेजी होगी कि मंदी होगी। बट अभी तक मंथली RSI 70 के ऊपर है, वीकली जो है 70 के ऊपर ही बंद दिया है, नीचे आके भी, और उसने पिछले वीक का लो नहीं तोड़ा। डेली जो कैंडल बनी है वो है शूटिंग स्टार, ये नेगेटिव कैंडल है। बट अगर मैं देखूं तो सारे सिग्नल्स मिक्स्ड हैं। अगर यहाँ पे खाली अगर मैं देखूं तो इट इज़ स्टिल बाय ऑन डिप्स, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जिस स्टॉक में कॉन्फिडेंस है हम वहाँ पे काम कर सकते हैं, स्टॉक वाइज तो हम काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी में काम करना है, हमें मार्केट में पैसा कमाने से मतलब है कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी से या कोई पर्टिकुलर स्टॉक से उसी से कमाना है, ऐसा तो नहीं है। हमें पैसा कमाना है तो जहाँ पे हमें ट्रेंड मिलता है, जहाँ पे हमें चांस मिलता है, हम उसी में काम करना पसंद करेंगे। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। मैं ये दो इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, सबका फेवरेट है और मेरे पास हमेशा आता है। देखिए, बैंक निफ्टी में पूरा MACD नीचे है, लेकिन अभी तक के नीचे से, जब नीचे का ही अगर ये नेगेटिव क्रॉसओवर जिस दिन मुझे देगा, तब काम खतरनाक होगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर। ये देखिए, नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर और उसका इफेक्ट, आई डोंट हैव टू टेल। तो इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। और यस, ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स, डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कभी मत करिएगा, नहीं तो मार्केट आपको बाहर निकाल देगा और आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए स्टॉप लग सकता है। और अब आते हैं वीकली। वीकली क्या कहता है बैंक निफ्टी? वीकली में अभी तक पिछले वीक का हाई तोड़ा है, लेकिन क्लोज नहीं दिया है और चल रहा है। मंथली बहुत अच्छी कैंडल बनी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्वीज़र टॉप, मतलब
सेम टॉप्स, सो आई कैन से इट्स अ ट्वीज़र टॉप टाइप, और अभी तक इसका लो नहीं टूटा है मंथ का, तो आई कैन नॉट गो नेगेटिव. मतलब सब तरफ से अगर मैं देखूँ तो मिक्स सिग्नल है, ये मैं आपको कह सकती हूँ. यस सर, डू वी हैव एनी क्वेरीज? यस मैम, दीपक जी का डाउट है कि हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर द ओआई इज गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज ऑन एन इम्पॉर्टेंट लेवल टू कैप्चर द मोमेंटम. आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं? मैम वो इन्हें मेंशन नहीं किया है, प्लीज दीपक जी आप मेंशन कर सकते हैं. देखिए, ओआई कम होगा तो सबसे पहली बात है कि आपको जो ऑप्शन चेन में है ओआई रिडक्शन मिलेगा. अगर हाईएस्ट कॉल ओआई और हाईएस्ट पुट ओआई की तरफ अगर आपको ऑप्शन चेन में रिडक्शन मिले, मतलब ओआई रिड्यूस हो रहा है और वहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है. दूसरा, अगर आप चार्ट्स भी देखते हैं तो साथ में ये भी देख लीजिएगा, अगर ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के पास में ही हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और वहाँ से अगर ओआई कम हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो शायद अब नेक्स्ट लेवल जा सकता है. और जनरली मैं जब देखती हूँ ओआई तो मैं ये देखती हूँ कि हाईएस्ट कॉल ओआई और हाईएस्ट पुट ओआई, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मिनिमम अप्रॉक्सीमेट 5-8% हो, तब तो ट्रेड करके मज़ा आता है. नहीं तो अगर सेम स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉल ओआई और हाईएस्ट पुट ओआई हो जाते हैं तो देखती हूँ कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट साइडवेज जोन में चलने लग जाती है. डू वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम दीपक जी का वो ऑप्शंस में ही डाउट था. एंड मैं करवा दिया, बाकी व्यूअर्स को भी कहूँगा कि अगर उनके कोई भी डाउट है कोई भी चीज़ के रिलेटेड तो मैम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. और अगर आपको कोई भी मेरे से वीडियो बनवाना है नॉलेज बेस पे, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, लास्ट टाइम मुझे काफ़ी डिमांड आई थी, रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं लास्ट वीक में भी, जो अभी एडिटिंग प्रोसेस में चल रहे हैं और जैसे ही हो जाएंगे धीरे धीरे अपलोड होना शुरू हो जाएगा. आप चाहें तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं बना दूंगी. मैम का मैम आपका आज एक टेक्निकल एनालिसिस की क्लास का वीडियो जाने वाला है शाम को, तो व्यूअर्स वो चीज़ देख सकते हैं. मैम हिमांशु जी है, उनको फिबोनाकी के बारे में समझना है कि वो होता क्या है, कैसे चलती है चीज़ें. देखिए फिबोनाकी क्या है, अभी जैसे मैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट खोलती हूँ. आप देखेंगे सब मैं लाइव ही खोल रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग पूछ रहे हो मैं खोल रही हूँ. नथिंग वॉज, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पहले से प्लान किया है या कुछ भी है. तो अज्यूम करिए कि हम ये फिबोनाकी की एक शीट बनाते हैं सबसे पहले. तो फिबोनाकी की शीट कैसे बनती है? पहला नंबर है 0, दूसरा नंबर है 1. अब मैं क्या करूँगी, ये नंबर को ये नंबर से ऐड करूँगी, ठीक है, और ये बन गया. अब यहाँ से मैं इसको सीधा सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन कर देती हूँ, ये बन गए मेरे फिबोनाकी नंबर्स. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1, 2, 3, ये कैसे, अब हम कौन से मंथ में चल रहे हैं, 2, जैन फेब मार्च. अगर आपने देखा होगा आज तक जो मुझे 38 इयर्स हो गए हैं, तो मैंने भी जो देखा है मैक्सिमम मेजर फॉल्स, जैसे 92-93 में आए थे, 2001 में आया था, 2008 में आया था, 2020 में आया था, तो ये सब जैन और मार्च के बीच में आते हैं, दे आर ऑल फिब नंबर्स. वैसे ही एक बार मैंने मई में भी सर्किट देखी थी, दैट वाज 2006 में. तो 2006 में भी जो मैंने सर्किट देखी थी वो मई मंथ की थी, लोअर सर्किट लगी थी इन 2006, तो वो भी फिब नंबर है. तो जनरली एक कोइंसिडेंस होता है कि फिब नंबर के साथ में इनकी सब कैसे होता है, क्या होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है. और इसमें लियोनार्डो पिसानो ने सर ने मतलब पूरा बना के दिया है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो उसमें. लेकिन ये तो हो ही गए, प्लस कई बार मैंने ये भी देखा है कि जैसे अभी ये नंबर है 144,
प्राइसेस भी यहाँ पे आके रुक जाती हैं। अगर मैं आगे भी जाती हूँ तो जैसे जैसे हम ये नंबर्स को टच करने लग जाते हैं तो प्राइसेस को मैंने यहाँ पे बहुत बार रुकते हुए भी देखा है। सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट। और वैसे ही इनके रेशियोज़ निकाले जाते हैं एक को दूसरे से डिवाइड करके, और वो रेशियोज़ जो होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं आपको चार्ट में जैसे दिखाती हूँ, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट है, फिब रिट्रेसमेंट, और ये फिब रिट्रेसमेंट लेके मैंने ये लोअर पॉइंट से ये हायर पॉइंट को अगर कनेक्ट किया और एक्सटेंड किया तो आप देखेंगे 38.2 से ही ये प्राइस जो है करीब करीब घूम गया है। मंथली है और ये अच्छा काम करता है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फिबोनाची का बहुत बड़ा यूज़ होता है। और आप कहें तो इसका कोर्स भी बना देते हैं हम कंप्लीट फिबोनाची के यूज़ का, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लोगों के लिए बना दूंगी रिकॉर्डेड। आप अफसर से बात कर लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, कंप्लीट कोर्स बना देती हूँ पूरा फिबोनाची का। क्या कहते हो? जी का वही आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पे उन्हें कोर्स चाहिए। बना देंगे बिल्कुल। एंड चलिए हम आपके लिए ये कोर्स, आज हुई है 2 तारीख, ये सैटरडे संडे लग के 2-4 दिन में हम ये कोर्स बना देते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर हम इसको आउट कर देते हैं आपके लिए। फिर आप अपसर्ज में लॉगिन करके ये कोर्स ले लीजिएगा, मंजूर है। आप सिर्फ डिमांड कीजिए, हम तैयार करते हैं। मैम इनफैक्ट काफ़ी सारी क्वेरीज ऐसी है जो हमने ऑलरेडी प्लान करी है हमारे यूज़र्स के लिए। जैसे आज ही मैम बोल रहे थे तो पूनम जी का रिक्वेस्ट है कि मैम स्कैल्पिंग पे वीडियो बनाए कि स्कैल्पिंग कैसे करें ऑन कॉल एंड पुट। बिल्कुल बना देंगे जी। तो उसी पे मैम ने आज पूरी एक सीरीज प्लान करी है। लेकिन अभी तो मैंने फिबोनाची प्रॉमिस किए तो पहले मैं इस पे बना देती हूँ 2 दिन में, फिर मैं नेक्स्ट वीक में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा पोस्ट मार्केट फिर स्कैल्पिंग पे बनाएंगे। मैम पॉल जी की रिक्वेस्ट है प्राइस एक्शन पे, वो उसके लिए मैं कहूँगा कि वो वीडियो ऑलरेडी एडिट में है। वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ प्राइस एक्शन पे और आपको बहुत जल्दी वो रिलीज हो जाएगा यूट्यूब पे। ये सब फ्री है, जो कोर्सेस हैं वो थोड़े से नॉमिनल पेड हैं, अदरवाइज मैक्सिमम वीडियोस फ्री है। मैम श्रीनिवास जी हैं, उनका डाउट है कि RSI एंड स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम चेंज डिफरेंस एक्सप्लेन। RSI एंड स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस, सॉरी आई एम नॉट क्लियर विद द क्वेश्चन। ये RSI विद स्ट्राइक प्राइस, प्लीज श्रीनिवास जी अपना डाउट आप थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, प्लीज इलैबोरेट, आई एम नॉट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन प्रॉपरली। मैम आसिफ जी का डाउट है कि मैम बेसिक्स अगर स्टार्ट करना हो तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिक्स ऑफ मार्केट, मैम आई गेस बेसिक्स ऑफ मार्केट पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं अब सर्च के लिए, यू कैन चेक देम। और मैंने बताया है कि आप बेसिक नॉलेज जरूर रखिएगा और बेसिक के साथ में ही काम कीजिएगा, तो इस पे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देखिएगा। और जो वीडियोस आप देखते जाएं उन पे लाइक करेंगे ना तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और उसको एडवांस वर्जन में बनाऊँगी। मुझे फ्री कंटेंट्स बनाने के लिए नॉलेज शेयर करने में बहुत मज़ा आता है, आप मांगिए मैं देने को तैयार हूँ। मैम अजय जी का इसी बात पे है कि हेलो मैडम आई रिसेंटली कंप्लीटेड योर टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, लव्ड इट, थैंक्स। थैंक यू। मैम एक और डाउट है कि मैम निमेश हियर, MACD का वीडियो है यूट्यूब पे आपका? बनाया है मैंने RSI विथ MACD, और जो मैंने अभी बताया है ना ये उसमें मैंने कवर भी किया है। मैम एक ये डाउट है कि एक एंट्री कब लेना चाहिए और एग्जिट कब होना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ बेसिक आप कुछ बता सकते हैं कि? अभी देखिए एंट्री कब लेना है एग्जिट कब लेना है ये भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ, और आप हर बार पूछेंगे तो भी मैं बताऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेट अस से मैंने एक यहीं पे सामने कुछ दिख जाए तो मैं आपको बताती हूँ। ये एक पहले का स्विंग हाई था जिसको मार्केट ब्रेक करके और फिर ऊपर गया, ऊपर जाके उसी को सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे यही सपोर्ट पर मुझे क्या मिला था, एक फिब लेवल का सपोर्ट भी मिला था इसी लेवल पे, राइट। अब वहीं पे मुझे
ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम मिल गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट इज़ ऑन मंथली बेसिस. अगर यही चीज मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ, जब हम डेली ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मान लो ये मेरा सपोर्ट लेवल है. लेट अस से दिस इज अ सपोर्ट लेवल. ये पिछला स्विंग हाई है, उसके साथ में ये एक सपोर्ट लेवल है. और इसमें देखते हैं क्या हमारे पास फिब भी यहाँ पे है, काम कर रहा है. तो ये बॉटम से लेके यहाँ पे फिब, यस हम फिब सपोर्ट पे भी हैं, 61.8 गोल्डन रेशियो. और यहीं पे हमें क्या मिल रहा है, ओपन और लो. अगर आप देखेंगे तो ओपन और लो यहाँ पर आप देखिए, ओपन और लो, आई होप इट इज़ क्लियर ऑन योर स्क्रीन. ये ओपन और ये लो. तो जहाँ पे मेरा कर्सर है, ओपन है 44489.40 और लो भी है 44489.40. तो ओपन और लो, गैप डाउन ओपन लो, और वो भी एट सपोर्ट. तो फिर मैं इसके नीचे यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा के, थोड़ा सा नीचे, लेट अस से 101 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के क्या इसे ट्रेड कर सकती हूँ? यस, विदाउट स्टॉप लॉस मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर क्या मैं ट्रेड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ. वैसे ही अगर मैं टॉप पे हूँ, चलिए अभी वो भी मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर मैं हूँ, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस बनाया. अब इस रेजिस्टेंस के पास में मुझे क्या मिला, ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 44398 ओपन और 44408, मतलब करीब करीब 10 पॉइंट का फर्क है. बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का इतना कोई वैल्यू नहीं रहता है. ओपन हाई मिल गया, और देखिए उसके बाद बस ये है कि ओपन हाई में मुझे RSI 70 के ऊपर नहीं होना चाहिए और ओपन लो में RSI 30 के नीचे नहीं होना चाहिए. ये दो चीज़ों का मैं ध्यान जरूर रखती हूँ. डू वी हैव अनदर? यस मैम. ऋतिक जी का डाउट है कि मैम आप MACD कैसे यूज करते हो इंडेक्स में? MACD जो है बाय डिफॉल्ट 2612 का जो आता है वही हम यूज करते हैं विथ 9 का EMA. हम कोई पैरामीटर चेंज नहीं करते हैं और सेम एज इट इज जैसे लगाया वैसे दिखाती हूँ. जीरो लाइन इज द बेस लाइन, इसके नीचे नेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव है. यही सिंपल मेथड यूज कर रही हूँ, और बाकी इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी यूट्यूब में बना के दिया है, आप उसे जरूर देखिएगा. मैम श्रीनिवास जी का भी आ गया है कि स्ट्राइक प्राइस जो है मेरा वो स्लो मूव करता है, RSI का स्पीड हाई रहता है. आप स्ट्राइक प्राइस का, कौन से स्ट्राइक प्राइस के साथ RSI की मैचिंग नहीं होती है? मुझे, आई एम रियली कंफ्यूज विथ योर क्वेश्चन. ओके मैम, तो हम नेक्स्ट डाउट पे बढ़ते हैं फिर. मैम एक और डाउट है कि स्कैल्पिंग पे टारगेट कितना रखना चाहिए? सही है एक्चुअली, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्कैल्पिंग, जब मैं स्कैल्पिंग का वीडियो बनाऊंगी मैं टारगेट वगैरह के साथ में आपको बना के दूंगी, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों. आप अभी मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि आपको कौन से शेयर्स के बारे में कोई आइडिया लेनी हो तो. मैम नारायण जी का डाउट है कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस हिट हो तो ही लेना चाहिए या कैंडल क्लोज करने का वेट करना चाहिए? देखिए दो चीज़ हैं, आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपकी कैपेसिटी. अगर आपके हिसाब से आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है बड़ा रिस्क, तो फिर हिट होते ही हिट एंड गो. और अगर आप में ऐसा है कि भाई मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ तो कैंडल क्लोज होने दीजिए. हाँ अगर हम डेली की बात करें और डेली में अगर हम कैंडल की वेट करते हैं क्लोज होने की, कभी कभी वो 2-2%, 3-3% नीचे चली जाए तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं. अगर वो अवरली में या हाफ अवरली में 30 मिनट्स में RSI 30 के नीचे बंद हो रहा है, या मान लो वहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करके वहाँ की क्लोजिंग नीचे दे रहा है, तो एक बार निकल जाना चाहिए. फिर बाद में वापस से वो टर्न करके ऊपर जाए तो फिर ले सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन स्टेट में मत रहिए, बिकॉज बड़ा लॉस हो सकता है कभी कभी. जैसे मैं अभी आपको बताऊँ, यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. चलिए कोई चीज़ सामने आ जाती है तो मैं वहीं पर दिखा देती हूँ.
लेट्स से किसी ने यहाँ पे शॉट किया होगा, राइट? और ये रहा रनिंग मार्केट। अब रनिंग मार्केट में यहाँ पे तो चलो छोटी कैंडल है, अब यही चीज अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ यहाँ पर, या लेट्स से यहाँ पर, तो अब बताइए मैं कैंडल क्लोज का वेट करूँगी और बाय एनी चांस मैं कैंडल क्लोज पे नहीं कर पाई, तो हमारे को क्या सिखाया गया है कि कैंडल क्लोज होना चाहिए फिर उसका हाई ब्रेक करे तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाए या जो भी है। यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गया और हाई गैप अप हो गया, क्या ये नुकसान उठाने की ताकत है? इसलिए अगर मैं यहाँ पर हिट एंड गो भी कर देती हूँ और फिर बाद में कल की कल देखेंगे, अगर मूवमेंट आ गई तो फिर हम बाद में देखेंगे, पैसा तो अपना ही है। इसलिए मैम काफ़ी सारे स्टॉक्स आ गए हैं अभी कमेंट सेक्शन में, बट उससे उस पर आगे बढ़ने से पहले अजय जी का ही रिक्वेस्ट है कि मैम व्हेन आर यू रिलीजिंग योर मेंटोरिंग प्रोग्राम, तो उसके लिए मेरा जवाब है सून, मैम से भी सुन लीजिए आप। चलिए बनाते हैं इसका भी प्रोग्राम जल्दी। मैम नीरज जी अभी तक मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन ठीक है आप लोगों ने पूछा है तो बनाएंगे कुछ ना कुछ। मैम नीरज जी का डाउट है टाटा स्टील पे, उसका ट्रेंड बताइएगा। टाटा स्टील अभी तक बुलिश लग रहा है, वाई? बिकॉज ये देखिए मेरे पास आरएसआई में ब्रेकआउट आ गया है, एंड व्हाट कैन यू सी ओवर योर, एनी वन कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू ऑल कैन सी ओवर योर, कम ऑन इन MACD, लेट मी सी व्हाट यू ऑल कैन टाइप, आई वॉन्ट टू नो द आंसर इफ यू ऑल कैन टाइप व्हाट यू ऑल सी इन MACD। अभी मैंने बताया था, चलिए इसी से पता चल जाएगा कि आप सीख भी रहे हो साथ में। एनी रिप्लाई मैम? अभी सबके कमेंट्स लगता है सब टाइप कर रहे हैं, चलिए हम वेट करते हैं। मैम नीरज जी का है क्रॉसओवर। क्या क्रॉसओवर? पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर, जीरो लाइन के ऊपर जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव में क्रॉसओवर है। नाउ यू टेल, डू यू नीड माय एडवाइस फॉर दिस? स्टॉप लॉस यूज करो, देखिए ब्रेकआउट भी दे दिया, स्टॉप लॉस यूज करो, काम पे चलो, बट नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। मैम सबका क्रॉसओवर आया है और अमित जी का सबसे पहला आएगा साहब पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं, पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर, आपको ऐसा जवाब देना है कि पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर, अंडरस्टूड? और नेगेटिव जोन में नेगेटिव क्रॉसओवर, इस टाइप के जवाब मैं आपसे बार बार पूछते रहूंगे, जिससे क्या है कि मुझे भी ये पता चले कि आप लोग सीख रहे हो। होप यू ऑल आर एंजॉइंग इट। मैम नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं, प्रियम कुमार जी का है कि सुजलॉन एनर्जी कैसा स्टॉक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? सुजलॉन एनर्जी, वाओ, कैन यू सी दिस, क्या दिख रहा है माय फ्रेंड्स? चलिए मैं ये बार बार पूछते रहूंगी, क्या दिख रहा है? लेट्स सी हु टाइप्स फर्स्ट। पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? और ये देखिए कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, डेली RSI अबाव 70, वीकली RSI अबाव 70, मंथली RSI अबाव 70, और उससे भी बड़ी ब्रेक बात, लेट अस सी इसका क्या सिचुएशन है। जब हम इतना बड़ा पीरियड देख रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉग स्केल में, तो क्या है कि हमें वेव्स जो है वो क्लियर मिल जाती है। जब चार्ट बिल्कुल फ्लैट होता है तो हमें वेव्स नहीं मिलती है, तो इस वजह से हमें ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लॉग कर लेते हैं। लॉग इज परसेंटेज चेंज, अगर आप देखोगे तो ये परसेंटेज में है, और अगर मैं ये परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखूं तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो ये देखिए ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है यहाँ पर, और इसका अभी
सेकंड लेवल है ये, उसके बाद के लेवल्स ये, ऐसे बना के रखिए। एक ब्रेक होगा तो दूसरा, दूसरा ब्रेक होगा तो तीसरा, तीसरा होगा तो चौथा, इस तरह से चलते चलिए। यही आपके पॉइंट्स रहेंगे हमेशा के लिए, इन्हें याद रखिएगा। और इसे मैं वापस ऑटो पे कर देती हूँ। आपके सभी स्टूडेंट्स ने रिप्लाई तो किया है और सही रिप्लाई ही किया है सबने, मतलब सब एंजॉय कर रहे हैं। यस मैम, मैम लगता है मेरे को लगता है नेक्स्ट टाइम एक रिवॉर्ड भी रखना पड़ेगा, तो लगता है तब और सब पास टाइप करेंगे। मैम नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स, लेना चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए? टाटा पावर अभी यहाँ पे आके जब कंसोलिडेट हो रहा है, देखिए जब यहाँ पे क्रॉसओवर दिखा था तो ये गैप्स में के साथ ऊपर गया था, और अब थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। RSI भी 70 के ऊपर है, डेली वीकली मंथली, तो इट इज़ अ बाय ऑन डिप स्टॉक फॉर मी। देखिए वीकली में जब इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर, पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया था, तो वीकली में भी इसने गैप्स बना बना के ऊपर भागा था, और मंथली ये देखिए मंथली में भी पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर, और उसके बाद डू आई हैव टू टेल यू एनीथिंग? कितना सिंपल ट्रिक है ना, बट इट इज नॉट अ होली ग्रेल। स्टॉप लॉसेस यूज कीजिएगा, मैं कोई जादू का खेल नहीं दिखा रही हूँ। मैम मंजीत जी का डाउट है कि ITC एंड जियो पे एक व्यू चाहिए उन्हें। ITC एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है, ये देखिए एक ये ITC इज एट सपोर्ट जोन, सो इट इज स्ट्रगलिंग ओवर हियर ओनली। प्राइसेस ऑल्सो इवन इन वीकली कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं है, मंथली नेगेटिविटी नहीं है, तो अभी ये सपोर्ट पे है। मैं यहाँ पे इसे अगर मैं ट्रेड करती हूँ या बाय करती हूँ तो मेरा रिस्क बहुत छोटा सा है, और अगर ये घूम जाता है तो फिर रिस्क छोटा और रिवॉर्ड अच्छा होगा, तो RR बहुत अच्छा बैठ जाएगा, बट अगर ये घूमे तो बाय कर सकते हैं। मैम अमित जी का डाउट है कि VST में डाउन ट्रेंड है, और इसमें VST तो उसमें उसने अभी एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल तोड़ा है एक्चुअली 3190 का ऑन बोथ डेली एंड वीकली। कैन अ सपोर्ट बी एक्सपेक्टेड ऑन 2880? देखिए सबसे पहला इसका जो सपोर्ट, अभी सबसे पहली बात देखिए जो चीज को मैंने बताया था, गो एंड स्टडी दैट फर्स्ट थिंग। व्हाट इज दिस, क्या दिख रहा है? सबसे पहले क्या टाइप करोगे बताइए, सबसे पहला क्या देख रहे हो? MACD में क्या दिख रहा है? यही मेरी आदत है कि मैं पूछ पूछ के आपसे और फिर आगे बढ़ती हूँ। कम ऑन, इतने टाइम नहीं लगा सकते ना, हम लाइव पे हैं। अच्छा चलिए, मैंने मार्किंग कर ली। एक आया है नीरज जी का है, नेगेटिव क्रॉसओवर इन नेगेटिव जोन। नेगेटिव क्रॉसओवर इन नेगेटिव जोन, सो जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो मैं सपोर्ट के बना के रख सकती हूँ, बट मैं सपोर्ट का इंतज़ार नहीं करूँगी, यहाँ पे अलर्ट डाल के रख दूँगी। तो जो जो मेरे स्विंग लोज हैं उनके ऊपर अलर्ट डाल दूँगी, और वहाँ पे जब प्राइस आएगी तब मैं ये देखूँगी कि क्या सिचुएशन है, क्या RSI वापस 30 के ऊपर आया है या नहीं आया है, कोई पॉजिटिव सिग्नल मिला है या नहीं मिला है, बिकॉज अभी तो फुल नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है इसमें। यस मैम, श्रीकांत जी का डाउट है कि लॉरेंस लैब पे व्यू प्लीज। लॉरेंस लैब्स
लॉरस लैब में ये सपोर्ट के आसपास से ही घूमा है करीब करीब, और एक ट्रेंड लाइन भी बना लेते हैं, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने ब्रेक करके सब एसएल हिट करवा दिया होगा, ये सपोर्ट बहुत दूर है, रिवर्सल दिया है वीकली में। आई एम स्टिल नॉट वेरी बुलिश, सपोर्ट से ही घूम रहा है करीब करीब वीकली में भी, लेट अस सी। अभी तक इफ़ यू विश टू बाय यू कैन, द रिस्क एंड जो आपकी स्टॉप लॉस आएगी वो एक्चुअली यहाँ पे कहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे लेते ही ये आ जाएगा तो रिस्क अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास की रिस्क हो जाएगी। तो या तो इसको पार्ट पार्ट में बाय कीजिए या एक बार टाइमिंग के लिए करेक्शन आने दीजिए, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैम रवि जी का डाउट है कि इंट्राडे में आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, प्लीज़ एडवाइस। मैंने इस पे भी यूट्यूब बना दिया है कि इंट्राडे में मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करती हूँ, उसमें मैं सुपर ट्रेंड, RSI, MACD यूज़ करती हूँ। कमल सैनी जी का डाउट आया है, JSW स्टील प्लीज़ मैम फॉर 1 मंथ। JSW स्टील ये अप ट्रेंड ले रहा है, थोड़ा सपोर्ट भी ले रहा है एंड इट लुक्स गुड, वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन एंड वी कैन सी इट। सो ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और यू कैन कंटिन्यू एज यू वांट। साथ में ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है या इसको समझ लीजिए, इसके ऊपर आपका बाय भी बन सकता है अगर, और सुपर ट्रेंड अगर मैं इसमें डालूं तो सुपर ट्रेंड अभी थोड़ा नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, बट ओवरऑल डजंट लुक सो वीक। वीकली में भी सपोर्ट के पास ही है और मंथली में भी इट्स ओके फॉर शॉर्ट टर्म, बट विदाउट स्टॉप लॉस प्लीज डोंट ट्रेड। मैम नेक्स्ट स्टॉक है प्लास्टी ब्लेंड। प्लास्टी ब्लेंड्स नॉट क्लियर सर, आई हैव नो क्लैरिटी अबाउट दिस, सो कांट टेल, सॉरी। मैम नेक्स्ट स्टॉक है SRF लिमिटेड का स्विंग ट्रेड का व्यू। SRF लिमिटेड, SRF भी 2 दिन से ये देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम देखें ठीक से तो एक बड़ा कैंडल बन गया, इतना बड़ा जब कैंडल बन जाता है ना तो उसके बाद प्राइसेस का चलना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर ये हाई क्रॉस कर जाता है तो आई वुड टेक दैट एज अ स्टॉप लॉस एंड गो अहेड, बट एज ऑफ नाउ आई विल वेट फॉर द क्लियर ट्रेंड, बिकॉज ट्रेंड इज़ नॉट क्लियर एट प्रेजेंट फॉर मी, अगर आप हर हायर और टाइम फ्रेम में देखें तो। मैम ऋतिक जी का डाउट है कि लॉन्ग टर्म के लिए यूनिटेक लिमिटेड बाय कर सकते हैं क्या। सर मैं जो स्टॉक्स सिर्फ सर्किट पे चलते हैं थोड़ा उनसे दूर रहती हूँ, मेरा पर्सनल वही है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट मेरा पर्सनल यही है कि जो स्टॉक सर्किट चलते हैं उनसे मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। मैम गौरव जी का क्वेश्चन है कि LIC पे लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस या LIC जनरल LIC इंश्योरेंस, उन्हें सिर्फ LIC ही लिखा है तो आई गेस वो हो सकता है। आई एम अज्यूमिंग इट इज LIC इंश्योरेंस। Again here the trend is not clear to me. If I'm looking weekly जरूर strong है, but since it is a new chart I cannot depend on RSI or MACD and in daily it is not giving me a clear trend.
मैम निरंजन जी का क्वेश्चन है कि IREDA और NHPC पे उन्हें चाहिए व्यू। IREDA की का भी सेम सिचुएशन है, इट इज मेकिंग अ डेली हाईज ओनली एवरी डे। इससे अगर आप बाय करना चाहें तो वही चीज़ है, स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लीजिए एज पर योर पॉकेट, और एज पर चार्ट्स के हिसाब से तो यहाँ पे आएगा बिकॉज एक लाल कैंडल को कवर करके और फिर ऊपर गया है। RSI की इतनी वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज न्यू चार्ट है, न्यू स्टॉक है, अभी रिसेंटली IPO आया है। और कौन सा कहा आपने, NHPC? NHPC मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लग रहा है बिकॉज अगर मैं मंथली में जाके दिखती हूँ तो मंथली में इट्स गॉन टू वे अहेड, तो फॉर मी इट विल बी अ बाय ऑन डिप्स टाइप ऑफ स्टॉक। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ भी लेके जाऊँ ना, ये वाला स्विंग हाई से भी क्रॉस कराऊँ तो भी ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो चुका है, तो इट विल बी अ बाय ऑन डिप्स फॉर मी राइट नाउ। आई कैन नॉट से, बट यस यू कैन गो अहेड विद बाय ऑन डिप्स। मैम पारस डिफेंस प्लीज। पारस डिफेंस आई वॉज स्टडिंग टूडे एंड देर इज़ अ ब्रेकआउट एट 820, तो ये 820 के आसपास क्रॉस करे तो मैं सोचूंगी, तब तक मैं इसके बारे में अभी नहीं देख सकती बिकॉज आज भी मैं सोच रही थी इसमें बाय करें, बट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा 820 के आसपास का, आई डोंट थिंक आई विल बी इन अ पोजिशन टू एंटर दिस स्टॉक। मैम सनमीत जी का डाउट है कि पेट्रोनेट LNG फॉर ऑप्शंस। पेट्रोनेट इस वक्त अगर एक चीज आप लोग और नोटिस कर रहे हो तो आपको बता दूं कि प्रीमियम्स जो है ना सब PSU स्टॉक्स के इतने बढ़ गए हैं कि करीब करीब हम 30-40 हज़ार रुपये तो बहुत छोटी बात हो गई है। अगर मैं थोड़ा सा OTM भी जाती हूँ ना तो 20-25 हज़ार रुपया 30 हज़ार रुपया प्रीमियम्स, विच इज़ समवॉट नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू मी। मैम एक आपके लिए थैंक यू नोट जैसा है कि मैम थैंक यू, प्लीज़ कम रेगुलर ऑन YouTube, यू आर एन एंजल इन दिस फाइनेंशियल जंगल। थैंक यू सो मच। तो मैं सभी व्यूअर्स को यही कहूँगा कि मैम हर फ्राइडे 5 to 6 आएंगी, आने का ट्राई करेंगे लाइव, तो जितना आप अपने टाइम से ज्वाइन हो पाए तो उतना बेटर है ताकि आपको मैम का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए। आप मुझसे पूछ सकते हो, देखिए देखने को तो आप पोस्ट मार्केट भी देख सकते हो, लेकिन जो मतलब रिकॉर्डिंग होने के बाद भी देख सकते हो जब आपको टाइम मिले, लेकिन अगर आप लाइव में आएंगे तो मुझसे पूछ भी सकते हो और सीख भी सकते हो, अपने हिसाब से भी सीख सकते हो। देखिए अगर आपको बाय करना है तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेंड लाइन के नीचे का, बट नेवर मिस व्हेन यू गेट दिस SL के साथ में। यस नेक्स्ट। मैम मंजीत जी का है LTIM पे व्यू चाहिए। LTIM यस इट लुक्स गुड बिकॉज वी आर एट सपोर्ट राइट नाउ एंड टुडे इट वॉज ओपन लो ऑलमोस्ट 5375 5375, इट वॉज ओपन लो एंड ये हाई क्रॉस कर जाता है तो 4 days का हाई क्रॉस कर जाता है तो वी कैन बाय विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ बिलो द ट्रेंड लाइन। मैम अक्षय जी का डाउट है कि स्टॉप लॉस डेली डालना पड़ता है क्या? जब तक आपकी पोजीशन है अगर डेली डालें तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप उसमें आपके ब्रोकर्स अगर अलाउ करते हैं तो उसमें GTC GTD भी डाल सकते हैं, बट अगर वो जंप कर गया तो या गैप डाउन खुल गया या गैप अप हो गया तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको फिर से स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। मैम काफ़ी बैंक्स के ऊपर भी आ रहा है, जैसे HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक पे आ रहा है, तो या बैंकिंग एज अ सेक्टर ही हम
देख पाए थोड़ा। तो बैंकिंग एज अ सेक्टर, मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया ही था, पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी बैंक निफ्टी के ऊपर। मैम नेक्स्ट स्टॉक इज डी मार्ट। यस, अमित जी का डाउट है। डी मार्ट जो है, इट इज अ बाय ऑन डिप स्टॉक फॉर मी फॉर एवर। वाई? बिकॉज ये मंथली टाइम फ्रेम में भी टिका हुआ है, वीकली में टिका हुआ है। अगर आप देखें तो वीकली में ये पूरी तरह से टिका हुआ है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। अगर ये पूरा टिका हुआ है ना, तो इसके स्टॉप लॉस से हम होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये जब फॉल करे तो कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी एज सच इज हैविंग अ गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सो इट इज़ अ बाय ऑन डिप्स टाइप, स्लोली स्लोली SIP स्टॉक इसे कह सकते हैं। मैम गौरव गुप्ता जी का डाउट है कि हाउ टू पुट स्टॉप लॉस इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में तो फिर आपको हर एक स्टॉक के हिसाब से डालना पड़ेगा आपका स्टॉप लॉस, बास्केट तो नहीं डाल सकते ना। मैम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर वीकली में मुझे थोड़ा इसमें नेगेटिव दिख रहा है, डेली में भी कोई खास पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट। मैम एक डाउट पेटीएम के लिए भी आया है। सॉरी, पेटीएम इज आउट ऑफ माय परव्यू। मैम SJVN पे भी, SJVN वो कब से वेट ही कर रहे हैं। देखिए अगेन यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर, और ये एक बार नहीं दो बार किया है, तो इसलिए देखो इसका मूवमेंट तो देखिए, जैसे ये पॉजिटिव क्रॉसओवर में पॉजिटिव जोन, क्या गैप्स के साथ ऊपर चल रहा है। RSI भी ऊपर है, कंटिन्यू मंथली में भी पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव ट्रेंड, और फिर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये जो ऐसा स्टॉक है जो पैटर्न बने हैं इनके अंदर, बिल्कुल जिसे ताड़ का पेड़ कहते हैं ना, वो वाला बन गया। अब इसमें क्या स्टॉप लॉस लगाऊं, क्या करूं, यही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ यही कह सकती हूं कि इनमें अगर आप बाय कर भी रहे हो तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क बहुत हाई है, अपना सोच समझ के रिस्क लगाइएगा जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, या छोटा छोटा वैसे बाय कीजिए, छोटा बाय कीजिए, छोटा ट्रेड कीजिए, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस वैसे काम कीजिए। मैम सन्मित जी का एक मैसेज है आपके लिए, थैंक यू मैम, आपका एक्सप्लेनिंग बहुत ही क्लियर है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो मैं सभी व्यूअर्स के साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी ट्रेडिंग वाले दोस्त हैं या इन्वेस्टिंग वाले जो आपका ग्रुप है, तो उसके साथ में आप इस लाइव पे आओ और आपके डाउट्स पूछो और मैम के साथ डिस्कस करो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस डिस्कशन में। और मैम टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमें हमारा लाइव यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जो भी व्यूअर्स के डाउट हैं वो नेक्स्ट लाइव में आप लेके आ सकते हैं, मैम आएंगे और वो क्लियर करेंगे। और जैसा मैंने कहा, आप अपने टॉपिक्स मेंशन कीजिए और जो टॉपिक आपको पसंद आए उस पर लाइक जरूर कीजिए, मैं उसका एडवांस वर्जन लेके आऊँगी। मैम वेब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक और मतलब वो सब क्वेरीज आने लग गई है, क्योंकि मतलब थोड़े क्यूरियस हो गए हैं लोग कि फिब एक्सटेंशन और फिब रिट्रेसमेंट में क्या डिफरेंस है, फिब रिट्रेसमेंट से भी एक्सटेंशन लेवल्स मिल जाता है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बताइए, बहुत कंफ्यूज है। पक्का, ओके मैम, तो हम ये लाइव यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।